पाकिस्तानी करेंसी की मुकम्मल तारीख 1947 से लेकर 2022 तक। इसके दौर हुकूमत में कौन सी करेंसी ईजाद हुई और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलेंगे कि उस वक्त यानी 1947 से लेकर 2022 तक डॉलर की कीमत में कैसे इजाफा होता गया और सबसे सस्ता डॉलर किसके दौर हुकूमत में था और किसके दौर हुकूमत से डॉलर की कीमत में इजाफा होने लगा और 2023 से पहले पहले डॉलर की कीमत क्या होगी। इन तमाम सवालात के जवाब जानिए इस दिलचस्प वीडियो में तफसील से। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और क़ायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसके पहले गवर्नर जनरल बने, उस वक्त इंडिया का एक बैंक था जिसका नाम रिजर्व था। उस बैंक के तहत इंडिया में जो सी करेंसी जारी थी वही करेंसी कुछ देर के लिए पाकिस्तान में भी जारी होने लगी। 1948 में स्टेट बैंक की बुनियाद रखी गई और 1948 में पाकिस्तानी पहले माहौलियाती निज़ाम का आगाज हुआ और फिर 1948 को पहली मरतबा पाकिस्तानी करेंसी नोट जारी हुए। स्टेट बैंक ने पहली मरतबा 5 और 10 रुपए के नोट जारी किए। क़ायदे आज़म के दौर हुकूमत में 1947 से लेकर 1948 तक पाकिस्तानी करेंसी इंतहाई मुस्तहकम रही और एक डॉलर 1 रुपये में रहा और फिर क़ायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद वज़ीरे आज़म लियाकत अली खान के दौर हुकूमत में 1948 से लेकर 1951 तक यही करेंसी अपनी जगह कायम रही, 1 डॉलर 1 रुपये का। और 1949 में स्टेट बैंक ने मजीद करेंसी के नोट जारी किए जो 1 और 2 रुपये के नोट पर मुश्तमिल थे। 24 सितंबर 1949 को स्टेट बैंक ने पहली दफ़ा 100 रुपये का नोट जारी किया जिसके ऊपर क़ायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई थी। वज़ीरे आज़म लियाकत अली खान के दौर हुकूमत के बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के दौर हुकूमत में 1951 से लेकर 1954 तक पाकिस्तानी रुपया 200% तक नीचे गिर गया और 1 डॉलर 3 रुपये तक जा पहुंचा। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के बाद मलिक गुलाम मोहम्मद के दौर हुकूमत में 1954 से लेकर 1956 तक और इसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा के दौर हुकूमत में 1956 से लेकर 1958 तक, इन दोनों के दौर हुकूमत में डॉलर की कीमत 3 रुपये ही कायम रही। और उसके बाद जनरल अयूब खान के दौर हुकूमत में 1958 से लेकर 1968 तक अयूब खान ने लगभग 10 साल 6 माह पाकिस्तान पर हुकूमत की और उनके दौर हुकूमत में डॉलर की कीमत 4 रुपये हो गया। और उसके बाद यहिया खान के दौर हुकूमत में 1968 से लेकर 1972 तक और इनके दौर हुकूमत में डॉलर की कीमत बढ़ते हुए 5 रुपये हो गया। और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर हुकूमत में 1972 से लेकर 1977 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे और इनके दौर हुकूमत में डॉलर की कीमत बढ़ते हुए 10 रुपये हो गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर हुकूमत के बाद जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर हुकूमत में 1977 से लेकर 1988 तक डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा करते हुए डॉलर की कीमत 20 रुपये हो गया। और इन्हीं के दौर हुकूमत में 20 जनवरी 1988 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तानी करेंसी के नए नोट नए तरीके से जारी कर दिए थे। 1, 10 और 100 रुपये के नोट नए तरीके से जारी किए और फिर उसके बाद 1 अप्रैल 1986 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तानी करेंसी का सबसे बड़ा नोट जारी किया और वो नोट था 500 रुपए का। और उसके तकरीबन कुछ माह बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तानी करेंसी का दूसरा सबसे बड़ा नोट जारी कर दिया था और वो नोट था 1000 रुपए का। उसके बैक साइड पर लिखा हुआ था हुसूल रिज़्क हलाल इबादत है। और इसके बाद बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की वजीर आजम बनी और इसके दौर हुकूमत में
1988 से लेकर 1990 तक इनके सिर्फ दो साल दौरे हकूमत में डॉलर की कीमत बढ़ते हुए 22 रुपए तक पहुंच गया। बेनजीर भुट्टो के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम बने और इनके दौरे हकूमत में 1990 से लेकर 1993 तक सिर्फ 3 साल दौरे हकूमत में डॉलर की कीमत तेजी से बढ़ते हुए 22 रुपए से लेकर 30 रुपए तक जा पहुंचा। नवाज शरीफ के दौरे हकूमत के बाद एक बार फिर बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के वजीर आजम बनी और 1993 से लेकर 1996 तक इन 3 सालों में डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा करते हुए 40 रुपए तक पहुंच गया था। और उसके बाद एक बार फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम बने और इनके दौरे हकूमत में 1997 से लेकर 1999 तक इनके इस दौरे हकूमत में एक डॉलर की कीमत 50 रुपए तक पहुंच गया। और उसके बाद जनरल मुशरफ पाकिस्तान के सदर बने और उनका दौरे हकूमत 2000 से लेकर 2007 तक रहा। इनके दौरे हकूमत में डॉलर की कीमत बढ़ते हुए 61 रुपए तक जा पहुंचा। और इनके दौरे हकूमत में 2005 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तानी करेंसी के नए नोटों का एक बार फिर आगाज किया और इस बार स्टेट बैंक ने 10, 20, 50, 100, 500 रुपए के नोट्स जारी किए। और इन्हीं के दौरे हकूमत 2006 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तानी करेंसी का सबसे बड़ा 5000 रुपए का नोट जारी कर दिया था जो आज तक पाकिस्तान में चल रहा है। और 2008 में दोबारा पीपल्स पार्टी की हकूमत आई और आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी की तरफ से पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हुए। उनके दौरे हकूमत में डॉलर की कीमत बढ़ते हुए 100 रुपए हो गया और इससे पाकिस्तान को अच्छा खासा दचका लगा। और 2013 के बाद एक बार फिर नून लीग की हकूमत आई जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक बार फिर पाकिस्तान के वजीर आजम बने और इनका दौरे हकूमत 2013 से लेकर 2018 तक इनके दौरे हकूमत में डॉलर की कीमत बढ़ते हुए 120 रुपए तक जा पहुंचा। और फिर 2018 इलेक्शन में पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान मुंतखब हुए और इनके दौरे हकूमत 2018 से लेकर 2022 तक डॉलर की कीमत 120 रुपए से बढ़ते हुए 190 तक जा पहुंचा। 1947 से लेकर 2022 तक डॉलर की कीमत 1 रुपए से लेकर 190 तक जा पहुंची। ये थी हमारी आज की वीडियो पाकिस्तानी करेंसी के बारे में। और इसके अलावा क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना को मारने की क्या साजिश थी, पाकिस्तान का वो कौन सा वजीर आजम था जिसने सिर्फ 3 साल में 5 वजीर आजमों की छुट्टी करवा कर उन्हें घर बेच दिया था, पाकिस्तान का वो कौन सा वजीर आजम था जिसे दफन होने के लिए अपने वतन की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई, अयूब खान का दौर हुकूमत तरक्की या फिर तबाही, पाकिस्तान कैसे टूटा, पाकिस्तान को किसने तोड़ा, पाकिस्तान का पहला गद्दार कौन था। और इसके अलावा 1947 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान की मुकम्मल हिस्ट्री देखिए सिर्फ FM उर्दू कहानी पर हर इतवार और हर बुध को शाम 8:07 पर। इन सारे वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। अगर आज की इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया तो FM उर्दू कहानी को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि हम इस सिलसिले को बेहतर से बेहतर